हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं घिया के खीर बनाना बताऊंगी कि इसको कैसे बनाते हैं। देखिए, ये 1.5 लीटर दूध है, इसी दूध में मैं बनाऊंगी खीर। ये घिया है, तो आज इस घिया को मैं खीर बनाना बताऊंगी। सब्जी तो बहुत बार बना के खाए होंगे, या मिठाई भी बनता है इसके, तो बहुत बार बनाए होंगे, लेकिन आज मैं खीर बनाना बताऊंगी कि इसको कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए, ये दूध उबालने के लिए रख दी हूँ। जब तक ये दूध, ये 1.5 लीटर दूध है, तो ये आधा हो जाएगा उबल के, तो मैं इसके आगे बताऊंगी कि इसमें क्या क्या डालेंगे और कैसे बनाएंगे। तब तक हम इस कद्दू को कद्दूकस कर लेते हैं, फिर आगे की रेसिपी बताऊंगी कि इसमें क्या क्या डालेंगे और कैसे बनाएंगे इसको। ये देखिए, ये दूध 1.5 किलो दूध था, 1.5 लीटर, तो अब ये 1 लीटर बच गया है। ये दूध गाढ़ा हो गया है इतना। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये कद्दू जो था उसको कद्दूकस कर ली थी, अब हम इसमें डालेंगे, दूध में इसको डाल देंगे और इसको थोड़ी देर पकाएंगे। ऐसे चला चला के हम थोड़ी देर इसको पकाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, कि ये देखिए, 1 कटोरी चीनी है, ये 1 कटोरी चीनी है, इतना मखाना है, आप अपने अनुसार डाल सकते हैं इस चीज को, और 1/2 कटोरी ये बादाम है, 1/2 कटोरी किशमिश है, 1/2 कटोरी काजू है। अब हम क्या करेंगे, ये बादाम और काजू को पीस लेंगे मिक्सी में, और ये मखाने भी पीस लेंगे। इसको थोड़ा सा रोस्ट कर दी थी मैं, पहले ही रोस्ट करके रखी हूँ पहले से, तो ये देखिए इस तरह का हो जाएगा रोस्ट करने पर। अब हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा से टूट रहा है ये। ये देखिए, ये घिया जो था ना, ये पक गया है अच्छा से। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे चावल को हम टच करके चेक करते हैं, उसी तरह हम इसको भी टच करके चेक कर लेंगे। देखिए ये अच्छा से बिल्कुल पक गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, चीनी डालेंगे। ये देखिए, 1 कटोरी चीनी डालेंगे, अपने अनुसार आप चीनी डाल लीजिएगा। आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो उसके अनुसार, कम मीठा पसंद हो तो उसके अनुसार, और इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। पीस ली मिक्सी में, अब हम इसको डाल देंगे, ये मखाने को, और फिर अच्छा से इसको मिला लेंगे। गैस को थोड़ा कम कर देंगे और इसको अच्छा से मिला लेंगे इसमें। इस तरह। अब इसके बाद देखिए, ये बादाम है, इसको भी पीस रखी हूँ, इसको भी डाल दूंगी इसमें। ये ना, जैसे पता ही नहीं चलता है कि घिया की खीर है, इसको आप त्योहार में भी बना के खा सकते हैं, कोई व्रत रखे हैं तो उसमें बना के खाइए, ऐसे भी जब आपका मर्जी तब बना लीजिए। इस तरह का एक बार जरूर बनाने की कोशिश कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। खोआ का मिठाई इसके आगे फेल है। देखिए, और ये काजू है, तो काजू को भी हम डाल देंगे इसमें, और सबको अच्छा से हम मिला लेंगे इसमें। आपके घर मेहमान आते हैं, उनको भी अच्छा से बना के खिलाइए, जब पता ही नहीं चलेगा ये किस चीज का खीर है। इस तरह हम मिला लेंगे। लास्ट में हम ये किशमिश डालेंगे, ताकि ये अच्छा से पहले मिल जाए, उसके बाद हम किशमिश डालेंगे। देखिए, ये गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया है अब, सारे कुछ मिलाने के बाद। अब हम इसमें किशमिश डाल के 2 मिनट और पका लेंगे इसको। देखिए कितना बढ़िया ये बन के तैयार हो गया। और चीनी मैंने जो डाली थी ना, वो परफेक्ट टेस्ट आएगा उससे, न ज्यादा मीठा होगा न कम होगा। इससे 1 कटोरी में चीनी डाली थी इस कटोरी से, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा टेस्ट है वो 1.5 लीटर दूध के लिए।
और एक छोटा सा घीया था, उसके लिए एक कटोरी चीनी बहुत अच्छा है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये रेसिपी पसंद आया होगा। तो देखिए आप सर्व कीजिए, आप खुद खाइए, अपने फैमिली को खिलाइए, बहुत ही अच्छा है ये, देखिए बहुत टेस्टी लगता है। अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें। फिर मिलती हूँ मैं कुछ नई रेसिपी या कुछ नई डिज़ाइन लेकर आप सबके साथ।